जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से वायरस का जी अटैक हुआ था गुड्डे पे, बहरहाल ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया और माशाल्लाह से बच गए हैं दूसरे परिंदे और बच्चे बुच्चे जो थे वो दूसरी साइड में दोस्तों सारे जी तकरीबन 8-10 बच्चे जी हैं जिनको वायरस में अभी भी, तो बहरहाल कौन जी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो ज़रूर जी वो बच जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा शौक आगे जो है ना वो फिर इसी तरह से बरकरार रहेगा। बहरहाल दोस्तों मज़ीद ये बड़े कबूतर थे तो ये माशाल्लाह से सेट हैं, ठीक है, इनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो इनको आपको पता है जिस तरह से कल दोस्तों मैंने जो इनकी नहलाई करवाई थी डिटोल वाले पानी के साथ, ताकि इनको किसी को दाना का था को होता है मतलब इस तरह का मतलब मसला वायरस वाला, तो वो जो है ना वो साफ हो जाता है एक से दूसरे को, फिर जो है ना वो नहीं जल्दी पड़ता वायरस। तो उसके लिए दोस्तों ये जो है ना मैं कुछ सामान मास्टर साहब ने जो है ना वो मुझे दिया, ये वाला ब्लीचम है मेन जो चीज़ है, उसके अंदर भी दो तीन चीज़ें जो है ना उन्होंने मिक्स की हुई हैं। वो बोल रहे थे कि ये जो है ना मतलब फर्श के नीचे आप जो है ना वो कर दें, ताकि सारा जो खुडे के अंदर होगा प्रेशर के साथ कर दें खुडे की दीवारों को, ठीक है, ये ऊपर वाली सारी दीवारों को दूसरे खुडे में, और ये पानी जो है इसका नीचे से फर्श धोना है हमने, ठीक है, पानी से आज दोस्तों फर्श धोने लगा। तो यकीन माने हालत कुछ इस तरह की हो गई थी, जब वायरस पड़ता है ना तो कुछ समझ नहीं आती कि करना क्या है, ठीक है, बाकी खाना पीना नहाना धोना सब कुछ भूल जाता है दोस्तों उसमें। तो बाकी फिर क्या है यार, शौक है ना, जुनून है कबूतरबाजी का, तो उसमें जो है ना वो सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, ठीक है। यकीन माने मैं सुबह का लगा हुआ हूँ, कभी ऊपर से सफाई कर रहा हूँ, अंदर से सफाई, यहाँ से सारा सफाई दो दो तीन तीन बार कर रहा हूँ, ताकि यार जो कोई किसी किस्म का मसला है ना तो वो हो जाए सेट। ये देखिए अभी भी आपको मेरे कपड़े भीगे हुए नज़र आ रहे होंगे नीचे दोस्तों, फिर मैंने दाना दोबारा से धोया है, पहले भी धोया था दोबारा दाना धोया है यार, दाने से जो है ना वो ना किसी किस्म का मर्ज बने। तो बाकी दोस्तों ये जी मैं जो है ना इसको डालने लगा हूँ, ठीक है, इसको तकरीबन थोड़ा सा हमने डालना है, ये देखें जी थोड़ा सा और डाल लेते हैं, क्योंकि एक दाबड़े में बोला था उन्होंने बहरहाल इतना डाल लिया जी। इससे अब दोस्तों इसको मिक्स करके जी इसको नीचे से फर्श इसका सारा धो देंगे, ठीक है, बाहर का भी अंदर का भी, उससे जो है सेट हो जाएगा। और ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव कबूतर है, इनको किसी किस्म का दोस्तों कोई मर्ज नहीं है वायरस वाला, ठीक है। और इस साइड में भी कबूतर देख लें तो इस साइड में भी किसी कबूतर को नहीं है, एक दो कबूतर ऐसे हैं जिनकी पोटे बस रुकी हैं, ठीक है, उनको ज्यादा मर्ज नहीं बनी। कबूतर बड़ा जो होता है वो जो है ना अपना थोड़ा सा सेट कर देता है, जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो जो है ना मतलब नुकसान कर देते, बच्चे जो है ना वो नहीं वायरस का अटैक झेल पाते। तो बहरहाल दोस्तों कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी तो हाल की घड़ी इनको पीछे कर दिए, इन कबूतरों को नहीं निकाल रहे, इन कबूतरों को आज जो है ना मैंने निकाला फर्स्ट डे, तो ताकि ये जो है थोड़ा सा धूप शूप इनको लगे, और जो वायरस वाले हैं उनको भी ऊपर छोड़ा हुआ ताकि उनको भी धूप शूप लगे, ठीक है, रात को मैं नीचे ले जाता हूँ, दिन को फिर ऊपर ले आता हूँ। तो बहरहाल दोस्तों ठीक है, मज़ीद जो है ना अब इसको हम जो है ना वो करते हैं पानी को, मैं कोई बड़ी सी चीज़ लेके ना इसको हिलाता हूँ अच्छे तरीके से जी, फिर इंशाल्लाह इसको नीचे से धोते हैं, तो इससे जो है ना इंशाल्लाह जो है ना वो बेहतरी की तरफ ही जो है ना मज़ीद काम आएगा। दोस्तों फर्श को इस तरह से भी कर देंगे, ठीक है, मैं वो नहीं मतलब जिस तरह होते हैं ना बंदे कई यार, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं मतलब वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने हाथ से काम ही नहीं करूँगा, वैसा काम नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हाथ से ही करूँगा जो कुछ भी करूँगा। और ये जो दोस्तों आपको दीवारें नज़र आ रही हैं इनको हम जो है ना वो प्रेशर से करेंगे, और खुडे के अंदर भी प्रेशर से कर लेंगे, बाहर से ये जो है ना सेम से कर लेते हैं, ताकि इससे जो है ना वो सफाई सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मेहनत ही होती है यार पता की, क्योंकि इतनी मेहनत हमने की हुई है सारी सर्दियाँ, तो आपको पता है इस तरह को संभालते संभालते यहाँ तक आए हैं, तो जब अचानक इस तरह का काम बन जाता है ना तो फिर काम खराब होता है। तो कोई नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगी जी, जरूर इंशाल्लाह आगे शो का मज़ा आएगा जी, इस तरह इनको फिर हो जाएंगे सेट, इंशाल्लाह फिर मारेंगे इनको जी, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा थोड़ा सा छोटा तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर निकल जाता है पानी, तो बाहर से जो है ना वो अब कर लेते हैं सफाई। तो यार मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार सब भाइयों से, मैं अब मतलब खुशी होती है मुझे जब कोई बंदा कॉल मुझे करता है, बाकी यार ये कॉलें बहुत ज़्यादा आती हैं, इससे थोड़ा सा ना परहेज़ किया करें यार, मतलब आपको पता मैं पहले टेंशन में बहुत ज़्यादा पड़ा हूँ,
और ऊपर से जब कॉल आती है ना तो मुझे मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली भी या सारा कुछ है निज़ाम, तो उसमें जो है वो करना पड़ता है। तो उसका कोई भाई दिल पे ना बात ले, ठीक है, मैं मतलब जो अगर करता हूँ कोई मुझे कॉल करता तो कुछ मतलब समझ के करता है ना, वैसा काम नहीं है। बहरहाल ये है कि यार थोड़ा सा मैं जो है ना अभी डिस्टर्ब हूँ, ठीक है, मेरा आपको पता है जिस तरह से वायरस का हमला हुआ है कबूतरों को, तो इससे जो है ना वो यार परहेज करें, अभी मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा, तो इस हद से करते हैं जी दोस्तों, मैं झाड़ू मारने वाला बनाऊँ क्योंकि जब इस तरह का काम बनता है ना तो फिर कुछ नहीं समझ आता क्या करना। ये देखे दोस्तों, अब भाई बाहर कर रहे हैं, ये ना सारी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि वायरस ऐसे नहीं खत्म होगा, एक दफा पूरी सफाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि ना आगे वाले जब कबूतर डाएं तो उनको कोई मसला ना बने। ये देखें पहले इधर किया, इसको किया, दीवारों को भी करेंगे शावर के साथ ना, दीवारों को करें तो फिर वो अंदर से किया भाई ने, तो अब ये इधर से कर रहे हैं। ये देखें एक दफा सारा कर देंगे ना, ये तो उम्मीद है दोबारा ये वायरस वगैरह ना नहीं आएगा और कबूतर में फूस रहेंगे। ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं, जहाँ वो कबूतर बैठे हैं मेरा कबूतर ऊपर नहीं ना जाना यहाँ से उड़ने वाला, उसमें जो पकड़ा वाला होगा या उस तरह का होगा वो बस उसमें जाएगा। ले दोस्तों हमने सारा जी आगे से धो दिया, अब ठीक है मजबूरी के तहत सब कुछ ही करना पड़ता है, ठीक है, अभी पानी जो है वो सारा यहाँ पे लग गया और यहाँ से दोस्तों वायरस का जो है ना वो नीचे से अगर कोई होगा ना किसी किस्म की बीट कबूतर ने की होगी फर्ज किया उस तरह की बीट से वायरस फैलता है या दाने से फैलता है, दाना मतलब कबूतर जब निकालता है बाहर उससे वायरस फैलता है या बीट से फैलता है, ये दो चीज़ें। तो बीट के लिए ये नीचे से कर दिया और दाने के लिए जो कबूतर दाना कर रहे थे उनको पीछे कर दिया ताकि आगे दोस्तों मरीज जो है ना वो काम ना खराब हो। तो कोई नहीं इंशाल्लाह जी, आप वैसे तो बेहतरी की तरफ निज़ाम चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे सारे कबूतर ठीक है और 15 नंबरी बच्चे के बारे में काफ़ी भाई पूछ रहे थे वो भी जी माशाल्लाह से सेट है, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह से वो उसकी मुड़ के आया आपने देखा जिस तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक उससे जरूर पर कर दिया करें, आप नहीं रखना सकेंगे शेयर कीजिएगा क्या आपको जो है ना वो कैसा लगा जी, क्योंकि मेहनत ही है यार, मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, शौक है मतलब जुनून है कबूतर परवरी का, इस वजह से सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बड़े भाई की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।